everyone, welcome to my YouTube channel, and today let's talk about my most favorite bullet lipstick from the Colourpath collection and the liquid lipstick from the Colourpath collection. So without any time wasting, let's to start the video. But usse pehle, please you can do subscribe my YouTube channel and press on the bell icon taaki sabhi ke sabhi notification aapko time pe milte rahe. So let's do start the video. एंड उसमें मेरे कुछ न्यूट शेड्स होंगे, कुछ डार्क शेड्स होंगे एंड कुछ रेड कलर होंगे. सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको उन सभी के स्वॉचेस एंड ऑनेस्ट रिव्यू मिल पाएगा. सो लेट्स टू स्टार्ट द वीडियो. नाउ लेट्स गो फॉर द आउटर पैकेजिंग ऑफ दिस लिपस्टिक. नाउ यू कैन सी द गाइज, आई रियली लाइक इट ऑफ दिस मटीरियल एंड इट कम विद अ मैग्नेटिक एंड आई रियली रियली ऑब्सेस्ड विद दिस लिपस्टिक. एंड इसका मुझे मटीरियल बहुत अमेजिंग लगता है और ये बहुत सॉलिड क्लच के साथ आती है और आई रियली लाइक एंड हाईली रिकमेंडेड ऑफ दिस लिपस्टिक. सो आई हैव द 3 शेड ऑफ दिस बुलेट लिपस्टिक. सो वन बाय वन मैं आपको इसकी स्वॉचिंग भी दिखाना है. टेक्सचर है बहुत ज्यादा क्रीमी है और इजिली से वन स्वाइप में इसकी जो पिगमेंटेशन है इनहेंस होके आती है, तो इस वजह से मुझे ये लिपस्टिक बहुत अमेजिंग लगती है. अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि न्यूली मैरिड्स को बहुत ज्यादा डार्क शेड्स अमेजिंग से, क्योंकि इसकी जो शेड कलेक्शन है बहुत अमेजिंग है. तो लेट्स टू स्वॉच द वीडियो अकॉर्डिंग टू शेड्स. सो फर्स्टली आई हैव द शेड नंबर 5 इन विशियस, यू कैन सी. एंड ये ब्राउनिश पीची न्यूड शेड है. नाउ यू कैन सी द शेड एंड वन स्वाइप में ही इसकी जो लुक है बहुत अमेजिंग आ जाती है. यू कैन सी द शेड अगेन, शेड नंबर इज 5 इन हैंड इन विशियस. सो ये सिंफुल मैट लिपस्टिक है, ये मेरी फेवरेट बुलेट लिपस्टिक है Colourpath की कलेक्शन से. एंड द सेकेंड शेड इज 25 मिस्ट्रेस और ये बिल्कुल डार्क रेड शेड है. आई एम स्वॉचिंग ऑन माय हैंड, यू कैन सी ये बिल्कुल डार्क रेड शेड है न्यूली ब्राइड्स के लिए. सो मुझे ये बहुत अमेजिंग लगता है. और जो मेरा थर्ड शेड है, दिस इज द शेड नंबर 7 सल्ट्री. And I am swatching this shade on my hand, and you can see, guys, one swipe, and you can see the pigmentation. And this is a shade of 7. This is a shade number 5. This is a shade number Mistress. So I highly impressed. So the next shade is a liquid lipstick from the Colourpath collection. So you can see the packaging. और ये newly launch में से है. The shade number is Glamping 1010. So now firstly you can see the shade, guys. I really really like this shade and I am swatching on my hand. You can see only one swipe में इसकी जो है pigmentation clear. ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो shade है guys कितना amazing है. Like girl हो, married हो, कोई भी age हो, किसी पे भी ये color बहुत amazing जाने वाला है. So this is my most full 4 color in the Colourpath collection. So guys, I highly recommended of this shade is called Glamping. So अगर बात करें मार्केट प्राइस की, तो ये जो सिंफुल मैट लिपस्टिक है फ्रॉम द Colourpath कलेक्शन की, इसकी मार्केट प्राइस 1200 है. बट अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन, इसकी मार्केट प्राइस थोड़ी सी मुझे ज्यादा लगती है. बट दैट्स ओके, क्योंकि काफी अच्छी क्वांटिटी के साथ आ जाती है, क्वालिटी के साथ आ जाती है. सो मुझे ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है. सो इट्स ओके विद द प्राइस. एंड ये जो लिपस्टिक है, आई यू शॉक्ड अबाउट द प्राइस, ओनली अंडर 500. लुक इट, मतलब इससे ज्यादा तो ये ही बेस्ट है. अगर आपको डेली वेयर के लिए लगानी हो तो आप इसको हाईली रिकमेंडेड कर सकते हो. और हाँ, इसकी जो है अंडर 500 है और ये जो है 1200 है. सो है तो ये दोनों ही मेरी फेवरेट. बट हाँ, अगर मैं डेली के लिए आपको हाईली सजेस्ट करूंगी तो मैं Colourpath की ये लिक्विड लिपस्टिक को सजेस्ट करूंगी. इसकी Colourpath की ना एक और लिक्विड लिपस्टिक की कलेक्शन है और वो मुझे इतनी नहीं लगती, क्योंकि ना वो लगाने के बाद हल्की सी पाउडरी होने वजह से ना ड्राई हो जाती है और लिप्स को पैची सा कर देती है. लगाते वक्त तो बिल्कुल स्मूथ होती है बट हल्की पैची कर देती है. बट इन्होंने ये जो फॉर्मुलेशन निकाली है ना, ये टक्कर देती है,
प्ल्यूम वगैरह की लिक्विड लिपस्टिकों, क्योंकि ये इतनी ज्यादा लाइट वेट लगती है, लॉन्ग लास्टिंग है. आई हाईली इम्प्रेस्ड अबाउट दिस फॉर्मुलेशन एंड द टेक्सचर एंड एवरीथिंग एंड शॉक्ड अबाउट द प्राइस. इज ओनली अंडर 500. लुक इट, मतलब इससे ज्यादा तो ये ही बेस्ट है. अगर आपको डेली वेयर के लिए लगानी हो तो आप इसको हाईली रिकमेंडेड कर सकते हो. और हाँ, इसकी जो है अंडर 500 है और ये जो है 1200 है. सो है तो ये दोनों ही मेरी फेवरेट. बट हाँ, अगर मैं डेली के लिए आपको हाईली सजेस्ट करूंगी तो मैं कलर बार की ये लिक्विड लिपस्टिक को सजेस्ट करूंगी. ये जो फॉर्मुलेशन निकाली है ना, ये टक्कर देती है प्ल्यूम वगैरह की लिक्विड लिपस्टिक को, क्योंकि ये इतनी ज्यादा लाइट वेट लगती है, लॉन्ग लास्टिंग है. आई हाईली इम्प्रेस्ड अबाउट दिस फॉर्मुलेशन एंड द टेक्सचर एंड एवरीथिंग एंड शॉक. तो ये तो थी जो मेरी कलर बार की मोस्ट हाईली रिकमेंडेड ऑफ लिपस्टिक में से. सो आपकी कौन सी फेवरेट है मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं. तो प्लीज यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. और आपको कौन सा शेड सबसे ज्यादा बेहतर लगता है, या आपका कौन सा शेड सबसे ज्यादा सिंपल मैट लिपस्टिक में से फेवरेट है, मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय.